अस्सलाम वालेकुम मामा जान, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह माँ सदके जय में बेटे, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र। आप कैसी हैं? ओह ग्रेट, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। What do we got going on today, Mama, in the kitchen? मदिया, काफ़ी लोगों ने फरमाइश की थी कि हमें केक आप बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं, और मैं आज आपको ना आसान और जल्दी बनाने वाला तरीका आपको बताऊंगी। और क्योंकि मुझे याद है कि मैं खुद भी बेकिंग करती होती थी जवानी में, उस टाइम पे हमारे में हिम्मत भी होती थी और हौसला भी होता था, और हम लगे रहते थे और केक को बनाते थे, और 45 मिनट केक को बेक होने में लगता था, और जो तैयारी का तरीका होता था वो भी तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाता था। पहले अंडों को फेंटते थे, फेंट फेंट के, और उसकी झाग बनाते थे, जर्दी को अलग फेंटते थे, सफ़ेदी को अलग फेंटते थे। और आज मैं आपको ना बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी, और जो इजी और बिल्कुल ऐसे कि जब बच्चे आपसे कहेंगे तो आप कहेंगे मैं अभी बना के देती हूँ आपको ना, और ये 10 से 12 मिनट में ये केक तैयार हो जाता है। और बनाने का तरीका भी इतना आसान है कि वो मैं आपको बताती हूँ। वही कहते हैं जितना बनता तो वो भी शायद बहुत अच्छा बनता था, हम कहते थे सही फेंटा हुआ है और सही उसने ना फूला है, वो जिसको कहते हैं ना पुफ किया, फूल गया। और अब ये देखा कि मैंने कहा इसको फुलाने के बजाय ना हम ट्रे में सीधा डाल देते हैं, और इस हल्की सी लेयर के साथ जब उसकी कटिंग करते हैं तो एक एक पीस ऐसे लगता है केक का पीस ही है। तो वाकई जितना हम लोग अपने आप को मुसीबत में डालते हैं इतना ही मुश्किल काम होता है। और ये मैं आपको आज बता रही हूँ आपको, माशाल्लाह ये हमारे केले जो हम जब लेके आते हैं ना, ये भी मैं आपको एक टिप ही दे रही हूँ। केला जब लेके आते हैं तो यहाँ पे स्पेशली पाकिस्तान में केले का ये होता था कि जब वो पड़ा रहता था और उसकी बाहर से जिल्द कहते थे चित्री वाला केला, उसके ऊपर जिल्द जो है काली होनी शुरू हो जाती थी, लेकिन अंदर से केला और मीठा और मीठा मीठा निकलता था। यहाँ मैंने देखा कि केले के ऊपर वाली अगर लेयर काली होनी शुरू हो जाए उसकी जिल्द, और वो अंदर से भी उसी तरह काला हो जाता है, मतलब ख़राब होना शुरू हो जाता है, लगता है ख़राब हो गया। तो इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए या बच्चे नहीं खा रहे, आप ज़्यादा ले आए हैं तो आप उनको प्लीज़ स्टोर भी कर सकते हैं। और स्टोर करने का ये एक होता है कि आप जब केले को वैसे भी नंगा छोड़ देंगे तो वो काला होना शुरू हो जाता है, और आप इसको ना फ़ौरन देखें, इसका छिलका उतार के तो इसको फ्रीज़ कर लें। ये तकरीबन 5 केले हम लोगों ने लिए, इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। अब मैंने इसको निकाल के जब रखा है तो ये देखें, निकाल के रखा है तो ये ना अब मुश होना शुरू हो गया, नरम होने शुरू हो गए हैं। ये 5 केले हैं, और अगर एक आध ज़्यादा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीठा ही होना है उसने ना। तो ये जो है ना आप इसको मैश करें, और इसके लिए आपके पास अगर वो है मैश करने वाला तो उससे भी आप कर सकते हो, कोई भी आप जो चीज़ आपके पास होती है, हैमर होता है एक जो गोश्त को नरम करता है, उससे भी आप कर सकते हो। तो इससे आप इसको मैश कर लें सारा, अगर हाथों से कर लें तो तब भी कर सकते हो आप लोग, और ये जो है ना बीटर से भी कर सकते हो। अगर बीटर में डाल दें, वो मेरे पास है, मैंने इसलिए नहीं निकाला कि मैंने कहा फिर ये लोग कहेंगे हमारे पास वो नहीं, हम कैसे बनाएं। तो आसान तरीका आपको बता रहे हैं कि आपने ना इस तरह बनाना है, इसको मैश कर लें और ये नरम हो जाएगा। उसके बाद आप ना ये देखें, इसमें मैंने ना एक दूसरा बाउल लिया, अभी मैं इसको करूँगी थोड़ा सारा और, मैंने दूसरा बाउल लिया, उसमें ये कप हैं, कप के साइज़ हैं, और आप ये बड़ा एक कप है, आपने आधा कप जो इसके नीचे वाला इसके ऊपर लिखा हुआ होता है हाफ कप, ठीक है, हाफ कप आपने, नहीं ये जो है ना सॉरी, ये 3 कप इस तरह के, ये 1 कप है, 3 कप ऊपर से ऐसे साफ़ करके, ये देखें ऐसे साफ़ करके 3 कप आपने आलमंड फ्लावर डालना है, ठीक है। ये 3 कप मैंने ना नाप के इसमें डाले हैं, ठीक है, और ये इसलिए किया कि ताकि वीडियो लंबी ना हो। और 3 कप आलमंड फ्लावर डाला है, और ये आधा कप है, आधा कप हनी का डाला है, क्योंकि इसमें केला भी जा रहा है और ये ऑलरेडी मीठा करेगा। अगर आपने मीठा कम खाना है तो बेशक आप थोड़ा डाल, ना भी डालें, अगर आप देखते हैं कि शुगर के मरीज हैं तो केले से काम चल जाएगा मेरा ख्याल है। और अगर आप इसका ना, मैंने आधा कप ये जो है ना हनी डाला है, ठीक है, और ये डाल दिया, और उसके अलावा आधा कप ही देसी घी है अगर आपके पास वो डाल दें, जो आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, जैतून का तेल भी हम लोग डाल देते हैं, और कभी एवोकाडो ऑयल डाल देते हैं, कभी हम लोग ये बटर डाल देते हैं, इसको थोड़ा सा आप नीम गर्म कर लें, इसका आधा कप बना के डाल दें। और ये क्योंकि इसमें आधा कप इसलिए ये जाता है घी, क्योंकि ये जो बादामों का आटा है ना, ये ऑलरेडी ऑयली होता है, और दूसरे केक में तो हम लोग पूरा भर के डालते थे, ठीक है। और उसके बाद ना आप इन सब चीज़ों का, फिर एक
चम्मच ये टीस्पून जो है आपने नमक डालना है और एक ही टीस्पून आपने मीठा सोडा डालना है, बेकिंग सोडा उसको कहते हैं, बेकिंग सोडा डालना है और ये डाल के उसके बाद आप ये देखें आसान तरीका, और 6 अंडे, और 6 अंडे डालने हैं, और 6 अंडे डाल के और इसको ना आप देखें आसान तरीका है, आप इसको मैश करें ऐसे मिक्स करें, ये मिक्स हो जाएगा। तो अगर आपके पास बिटर है आप उस पर भी कर सकते हो, ये आपको आसान तरीका बता रहे हैं कि ये जो है ना जल्दी बन जाता है। वो एक वो होता था मैदा, तो मैदे को फुलाने के लिए ना हमें उसको अलग अलग प्रोसेस से गुजारना पड़ता था कि ताकि पहले अंडे को फेंड लें, फिर अंडों की झाग बनाने के बाद फिर जर्दी की झाग बनाते थे, फिर जर्दी नहीं सफ़ेदी की झाग बनाते थे, झाग बनाने के बाद उसको अलग रख के फिर ये सारी चीज़ें छान के मैदे में करते थे और उसके बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा डालते रहते थे और वो फिर उस तरह जो है ना वो केक बनता था। अब ये देखें अंडा जो है ना ये इसके अंदर चला गया और इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हमने जो है ना वो ओवन को दिया दिखा सकते हैं, ओवन को हमने 350 पे ऑन करके रखा हुआ है। 350 पे ऑन है, हाँ 350 पे जब ऑन हो जाए तो उसके बाद वो प्री हीट होना ज़रूरी होता है, प्री हीट हो जाए तो फिर आप जो है ना इसमें, तो ये देखें माशाल्लाह हो गया है ये, सुपर बस easy. इतना सा टाइम लगना है और ये यू कैन मेक देम इन वन बाउल, टू बाउल्स, व्हाटएवर इट इज, ये बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं और ये हमारे जो केले हैं इनका मिल्क शेक बनाएंगे तो वो भी मतलब आपके अंदर मीठा ही जा रहा होता है, तो इस तरह बच्चे जो है ना ये भी खुश होकर खा लेते हैं, केक का केक बन जाता है। और बाज़ लोग इसको बनाना ब्रेड कहते हैं, आप इसका जो मर्जी, मैं कई दफ़ा लोग पूछते हैं इसका नाम क्या है, तो मैं कहती हूँ बच्चों के नाम रख लेते हैं तो इन चीज़ों के भी नाम आप खुद ही रख लें जैसे हम बच्चों के नाम रखते हैं ना तो इसके नाम जो है ना मैं कई दफ़ा कोई आता है कहते हैं क्या बना है, जब कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो उसका नाम आप खुद ही रख लें। तो मैंने देखा था कि जैसे इसका बनाना ब्रेड भी लोग रख लेते हैं, बनाना ब्रेड इसको कहते हैं, केले अपने केले का केक कहते हैं। और उसके बाद मैं दिया आपने ऐसे करने बैठे, ये पेपर है, पार्चमेंट पेपर है और इसके ना इधर ब्लेड सा लगा होता है, आप ऐसे करें आराम से इसको, जितना आपको चाहिए होगा इतना आप आराम से फाड़ें और बिल्कुल सीधा फटेगा, ठीक साफ़ सुथरा फटेगा। ये सर ये है, ये देखें हमने ये किया है, ये देखें जितनी आपकी ट्रे है उतना आप ये ले लें और ये इस ट्रे में ऐसे रखें इसको, ये देखें ट्रे की लेंथ भी इतनी कोई नहीं है, चौड़ाई देखें और हाँ और इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम so then we'll just mix this up and stick them in the dish and then we can top it with some walnuts if we need but this is a great dessert breakfast ke liye bana thoda sa jab chai ke sath aap kha sakte hain but again the reason why we don't use sugar and we don't use wheat because both of those things are common food sensitivities, they actually increase inflammation, they lead to autoimmune conditions, they can go और ये कोशिश करें बाउल को अगर आपके पास इस तरह की चम्मच है उससे कर लें, अगर नहीं है तो अपने हाथों से भी कर लें, कोई बात नहीं, माएँ अपने हाथों से पहले काम करती थी और उसमें भी लज्जत होती थी, मैं तो कहती हूँ सारा खाने की लज्जत हमारी माओं के हाथों में थी, जो चीज़ हाथ से तैयार होती है वो उन चीज़ों से। अब मैंने ये ग्लव्स पहने, आप यकीन करें पहले मैंने ग्लव्स को धोया, ग्लव्स अपने ग्लव्स पहन के पहले हाथों को धोया, हाथ खुश किए हैं, फिर ग्लव्स पहने हैं, फिर ग्लव्स को साफ़ किया, मुझे क्या पता ये रबड़ कौन सा वाला, तो हम जिसको अच्छा समझते हैं कि अगर वो आप अपने हाथ भी धो लें तो हाथ धो के फिर आप ना इसको ऐसे करके सुपर सिंपल सुपर इजी तो आप अपने हाथों को भी यूज करें, कोई बात नहीं, आपके हाथों में भी एक लज्जत होनी है वो भी आपके बच्चे जब खाएंगे ना आपकी माँ के हाथों की लज्जत जाएगी तो उसमें अपना ही मज़ा होगा। कहते हैं ना बड़ा अरसा हो गया अपनी माँ के हाथ का खाना खाया हुआ तो वो हाथ में ये होता था। मैंने एक मदिया पढ़ा था मैंने कि इस्लामी नज़रिए के मुताबिक कहते हैं ये जो बच्चा अपना अंगूठा चूसता है ना
बच्चा भूख लगी होती है तो अपना अंगूठा चूसने लग जाता है और थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो जाता है। कहते हैं इन हमारे हाथों की पोरों से भी, इन नाखनों के साथ जो हमारे हाथ के अगले हिस्से हैं ना, इसमें से भी ऐसी कोई चीज़ निकलती है जो आपके मैदे के लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छी है, आपकी भूख को ख़त्म करती है। और इसी तरह सुन्नत है जब हम हाथ से खाना खाते हैं तो उसमें भी उसका टेस्ट जाता है शायद। आई थिंक वी आर मोर माइंडफुल जी दैट वे, बिकॉज़ हम अमूमन क्या करते हैं, हम बैठ के टीवी के सामने देख लेते हैं, जब हाथ के साथ पकड़ता है ना फिर वो यू आर मोर माइंडफुल, आपका ध्यान भी होता है कि मैं कहाँ से खा रहा हूँ, हाथ कहीं और तो नहीं जा रहा। एग्जैक्टली, और ये इस्लामी के नजरिए के तहत इस, ये अल्लाह ताला ने इन चीज़ों के अंदर भी एक लज्जत रखी है। और मैं वाकई जब मैं अपने हाथों से चावल या कोई ऐसी चीज़ या कोई कभी खाती होती थी तो जब तक मैं अपने हाथ से नहीं खाती थी तब तक मुझे टेस्ट ही नहीं आता था। और दूसरा, माँ के हाथ से, मैंने भी माँ के हाथ से खाना जब खाती है ना, जब हम बच्चों को देखें अपने हाथों से खिलाते थे बच्चों को, आई नो बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता था बच्चों को ना, तो बच्चों के बच्चे अभी भी याद करते हैं कि मम्मा आपके हाथ का जो है ना टेस्ट वो और चीज़ थी। और ये उसके बाद जो है ना, ये आप ले लें अखरोट ले लें थोड़ा सारा, चलो ज़रा चेंज हो जाएगा, ऊपर डाल दें। Yeah, it just makes it really pretty. So I have the ingredients in the description for everybody that is asking. It is 3 cups of almond flour, 5 bananas, 1 teaspoon baking soda, 1 teaspoon salt, 6 eggs, and 1/2 cup of honey, 1/2 cup of ghee or any avocado oil, olive oil, whatever you need. And then you can top it with walnuts, or you can even add walnuts inside. और बढ़िया, इनको बता दें कि अगर आपको नहीं ना, कई दफ़ा वीडियो चली जाती है फेसबुक पे ना, थोड़ी सी आती है फिर चली जाती है जब तक शेयर ना करें, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप ना YouTube पे देखें जाके ना, ठीक है? YouTube में चीज़ें फिर जल्दी आसानी से मिल जाती हैं, फेसबुक पे तो उस पर आप लिख दें बनाना केक लिख दें, बनाना केक लिख दें तो आ जाएगा। और कई पूछते हैं, जैसे मुझे अब इतना यूज़ करना नहीं आता लेकिन मैं भी बच्चों से पूछती रहती हूँ कि ये किस तरह होता है, किस तरह होता है, क्या होता है। No, Mom, you're doing really well, माशाल्लाह। तो बेटियों से पूछ लेती हूँ, बेटों से पूछ लेती हूँ, बहुओं से पूछ लेती हूँ। और जब आप इल्म सीख रहे होते हैं ना बतिया, फिर शर्म नहीं करनी चाहिए। फिर शर्म नहीं करनी चाहिए, फिर आपने ना कुछ सीखना है तो फिर आप छोटे बच्चे से भी सीख सकते हो, अपने नौकरानी से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। बहुत ज़्यादा। और किसी ने कहा था कि आप इतने अकलमंद कैसे हुए, तो उन्होंने कहा था कि मैं जाहिलों से मैंने अकल सीखी है। तो जाहिल भी जो है ना, जब वो ऐसे गलत काम करते हैं तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, तो फिर आपको खुद ही अकल आ जाती है। तो ये जो है ना, ये दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रखते हैं अब इसको। या वी कैन पुट इट इनसाइड ऑफ द ओवन। ये ओवन में ऑलरेडी, अगर आप 2-3 चीज़ें भी तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी मुर्ग रखा हुआ है इसके अंदर, तो ये उसके ऊपर वाले हिस्से पे ये रख देंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये, और इंशाल्लाह आपको किसी दिन मुर्ग का तरीका भी बताएंगे। और दूसरा ये मतिया, मैंने वो तो हो गया, हाँ उसके बाद जब ये तैयार होगा ना, ये हमने बनाया था, इसके ऊपर हमने चॉकलेट लगाई थी, तो इस जो अभी बनाया है उसके ऊपर चॉकलेट नहीं लगाई, तो जो अभी बनाया है वो इस तरह बगैर चॉकलेट के बनेगा, ठीक है? और ये इतने साइज़ का बड़ा होगा। और जब हम पीस, वैसे भी केक का जब पीस काटते हैं तो इतना पीस काटते हैं तो ये जब वो चौड़ाई में होता है तो ये 10 से 15 मिनट में, ये बल्कि 12 मिनट तक, 10 और 15 मिनट के दरमियान यानी 12-13 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। अभी हम लोग ये बर्तन संभाल ही रहे होते हैं तो पता चलता है जी केक तो बन गया। एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक, ओह ये बहुत महंगा है केक, बट मामा जान जो मैं ये देखती हूँ ना, इज दैट जब बंदा, व्हेन यू स्पेंड, जो फ्लावर है बहुत सस्ता है, राइट? फ्लावर सस्ता, चीनी सस्ता, पर जितना हम खाते हैं वो ज्यादा खाते हैं। नहीं, ज्यादा महंगा पड़ता है कि जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। That too. डॉक्टर जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो फिर ज्यादा महंगा तो पड़ता है। वो फिर हमें महंगा पड़ता है कि जब अगर वो 1000 रुपए की दवाइयाँ ले आएंगे तो 1000 रुपए का ये बादाम अगर ले आए तो ये मेरा ख्याल ज्यादा सस्ता पड़ेगा। No, it is. और दूसरा ये मैंने कल, हम लोग ज्यादा भी खाता है, एक पीस से नहीं रख सकता ना माशाल्लाह, जब ये खाते हैं मामा जान, एक बंदा पीस लेता है। बड़ी अच्छी बात आपको बताऊं, कल हम एक शादी पे गए, यहाँ अमेरिका में एक शादी थी, और शादियाँ आपको पता है बड़ी अच्छी लोग करते हैं, ज़ाहिर 30-40 साल से रह रहे हैं, अब उनके बच्चे जवान हुए हैं,
उन्होंने इतनी शादियाँ खाई हुई हैं, तो वो भी रोज़ रोज़ ये खर्चे भी बढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने हाई फाई शादी की। और आप यकीन करें, जब उनका वो मीठा आया तो उन्होंने पता नहीं कितनी किस्मों के मीठे रखे हुए थे, केक और उसके अलावा छोटी बड़ी चीज़ें, और साथ फ्रूट भी रखा हुआ था। और मैंने सारी चीज़ें देखी, मैंने सब चीज़ों को बाय बाय किया, मैंने कहा है तो सब अच्छी हैं, अल्लाह ताला की नेमतें हैं। मेरे साथ एक और थे, वो मरीज़ थे बैठे हुए, और उनकी मिसेज थी बैठी हुई, तो मैंने कहा या अल्लाह ये सारी तेरी नेमतें हैं, लेकिन फिर जिस्म अपना है, जान अपनी है, और अब ये खा लें, अपनी शुगर बढ़ा लें, अपनी बीमारियां बढ़ा लें, अपना पेट बढ़ा लें, तो बेहतर है कि इनकी तरफ देखें ही ना। तो मैंने फिर ना तरबूज लिया और खरबूजा लिया, अंगूर के दो तीन दाने लिए, और मैंने कहा दिल से कहा कि तुम समझ यही मैं मिठाई खा रहा हूँ और मैं ये खा रहा हूँ, तो वो ना वो अल्लाह ताला की तरफ से था। तो फिर मैंने जो वो बने हुए मीठे थे, मिठाइयाँ थी, वो मैंने बिल्कुल नहीं ली ना। तो फिर मैंने बल्कि किसी से कहा नहीं कि आप ना लें, मैंने कहा जिन्होंने खर्च किया बेचारे वो तो हैं, लेकिन मैंने कहा जान तो अपनी है ना, अल्लाह ताला ने ये जान हमें दी हुई है, तो इसकी हिफाजत करना भी हमारा फर्ज है। तो फिर मैंने बिल्कुल कोई चीज़ नहीं चखी। इट्स आवर ब्लेसिंग, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीस ब्लेसिंग्स। फिर ना ये जो चीज़ है ना, अब इसमें मदिया देखे कोई चीज़ बुरी नहीं है, इसके फायदे हैं। ओह माय गॉड, अल्लाह ने कहा हुआ है कुरान में भी दैट शहद में शफा है, और अब साइंस भी बता रहा है दैट शहद में वाकई शफा है, बादामों में भी है बहुत जबरदस्त, और उसके बाद केला जो है, केले में देखिए क्या क्या चीजें हैं, केले में आप बता देंगे कि कौन सी विटामिन्स केले के अंदर हैं। ओह टन्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिंस, एंटीऑक्सीडेंट्स, इट एक्चुअली लोअर्स ब्लड शुगर because it has, but the thing is, you know, it's just still a treat. Diabetes के लिए तो हर रोज केला नहीं खाना चाहिए, but लेकिन ये देखिए आप इसमें 5 केले डाले हैं, तो अगर एक बंदा 5 केले खाएगा तो उसके लिए नुकसानदेह है। तो अगर ये थोड़ा थोड़ा ये, अब ये एक पीस मदिया सिर्फ बड़ी मुश्किल से एक पीस डॉक्टर साहब लेते हैं, अगर एग्जैक्टली, और फिर तसल्ली हो जाती है कि बस ठीक है। अगर वो चाय शाम की लेते हैं तो एक पीस इसका ले लेते हैं, तो कई दफा नहीं भी लेते हैं, चलो ये बच्चों के लिए है, बच्चे खा लें, बड़े भी खा सकते हैं, लेकिन दूसरा केक तो बिल्कुल ही खाने के काबिल नहीं है ना, जिसमें चीनी पड़ी होती है। मामा एक पीस बिलोंग नहीं लेते, फिर पूरा ज्यादा खा लेते हैं, बच्चे दो तीन दफा आते हैं। ये माशाल्लाह बिकॉज ये आलमंड्स बादामों से बना हुआ है, दिमाग के लिए भी अच्छा है, बंदा आके थोड़ा सा खाता है तसल्ली। और ये मैंने देखा है कि अगर आधा कप आपने ये डाला, आप देख रहे हो कि केला भी बहुत मीठा था, तो ज्यादा मीठा हो गया तो आप इसे कम कर दें, कम कर दें। और बिल्कुल, और मैंने देखा है कि इस तरह इसकी ब्रेड भी बनाते हैं, और आप चीनी ना भी डालें ना, तो वो नमक के साथ जो आप बनाएंगे ना, तो वो नमकीन सी ब्रेड बन जाएगी। अगर जैसे हम केक बनाते हैं ना किसी दिन, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप उसमें आपने मीठा बिल्कुल नहीं डालना, बस वो जो नमक डाला हुआ है ना वही काफी है। तो ठीक है बेटी जी। Well, that's awesome, मामा जान। Remember you और guys. ये ना, हाँ, मैंने बताना था कि YouTube पे जो है ना आप YouTube. देखें, अगर आपको इधर नहीं मिलती और आप ना YouTube पे चले जाएं तो उस पे आप लिख दें होलिस्टिक उर्दू MD लिख दें, तभी आ जाएगा, और नीचे लिख दें कि बनाना केक, वो भी आ जाएगा। अगर ताहिरा मुमताज लिखेंगे तब भी आपकी YouTube खुल जाएगी। तो कई दफा नाम याद नहीं रहता ना कि क्या नाम है, शायद ताहिरा याद ना रहे, शायद होलिस्टिक ना याद रहे, तो जो भी आपको आसानी लगती है आप लिख सकते हो। ठीक है जी, इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर मामा जान, दैट्स ऑसम। अल्लाह हाफिज़।